ओम शांति बाप दादा मधुवन। आज की मधुर मुरली 2/5/2023। मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा ऊंच कुल है, तुम सुदर्शन चक्रधारी बनो। प्रश्न, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्वधर्मान परित्यज माँ किम याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्रीमत पर अहिंसा के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। गीत, ओम नमो शिवाय ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह है निराकार शिव परमपिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है, भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक हैं, कुत्ता बिल्ली पत्थर भित्तर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यह सब नास्तिक हैं। परमपिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। 5000 वर्ष की बात है जबकि भारत डबल सिरताज था, यह कौन समझते हैं? आज के मुरली से मुख 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, वही परमपिता परमात्मा शिव जिनको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। दूसरी पॉइंट, महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब है रचना। तीसरी पॉइंट, तुम मात पिता हम बालक तेरे, भारत को सुख घनेरे थे अब नहीं है। चौथी पॉइंट, हर एक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं, इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि शब्द आ जाते हैं। कोई ना कोई विकार है जरूर, यह है ही पतित दुनिया। छठवीं पॉइंट, भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए हैं, मेरे को भूलने के कारण नास्तिक बन पड़े हैं। सातवीं पॉइंट, बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, राजयोग और ज्ञान सिखला करके परमपिता परमात्मा आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। आठवीं पॉइंट, बाप है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम, दोनों ही परम धाम में रहते हैं तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते हैं ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। नवी पॉइंट, अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है, उनको ही सदगुरु कहा जाता है, तो पतित दुनिया में रहने वाले उनको पतित पावन कहेंगे। दसवीं पॉइंट, उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। इस चक्र को अच्छी रीत समझना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सबको सुख दे देवी संप्रदाय का बनना है, आश्री संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है, शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी होकर रहना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है, योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। वरदान है आज का वरदान, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है, इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। सदा स्व सेवा और औरों की भी सेवा साथ साथ करो। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं उन्हें सफलता नहीं मिल सकती।
इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो, अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं। स्लोगन है आज का, ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग आएगा। ओम शांति।